बॉलीवुड अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत की अपकमिंग फिल्म इमरजेंसी पर सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेशन रोक दिया है। कंगना ने खुद इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि सीबीएफसी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने पहले फिल्म को क्लियर कर दिया था, लेकिन बाद में अचानक इसे रोक दिया गया। कंगना का कहना है कि फिल्म पर रोक लगाने के पीछे जान से मारने की धमकियां मुख्य कारण है। उन्होंने बताया कि सेंसर बोर्ड के सदस्यों को भी धमकियां मिल रही है, खासतौर पर इस बात को लेकर कि फिल्म में इंदिरा गांधी की हत्या, भिंडरांवाले और पंजाब दंगों के दृश्य न दिखाए जाए। कंगना ने सवाल उठाया कि अगर ये सब नहीं दिखाया गया तो फिर फिल्म में क्या दिखाया जाए। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि अचानक से फिल्म को ब्लैकआउट क्यों कर दिया गया है। देश के हालात देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। इसके अलावा कंगना ने इंटरव्यू में कहा था कि पंजाब में किसान आंदोलन के दौरान कुछ उपद्रवी हिंसा फैला रहे थे, वहाँ रेप और हत्याएं हो रही थी। किसान बिल वापस लेने का निर्णय लेना पड़ा, वरना इन उपद्रवियों की लंबी प्लानिंग थी। उनके इस प्लान के बाद, इस बयान के बाद पंजाब में उनके खिलाफ आक्रोश फैल गया था। वहीं फिल्म इमरजेंसी पहले ही विवादों में घिर गई थी। सिख समुदाय के लोगों का आरोप है कि फिल्म में उनके समुदाय की छवि को गलत तरीके से पेश किया गया है। इसी को लेकर मध्य प्रदेश के जबलपुर में सिख संगत ने कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें फिल्म पर पूरी तरह से रोक लगाने की मांग की गई थी। ये देखना होगा कि कंगना की ये फिल्म आखिरकार कब और कैसे रिलीज होगी और क्या फिल्म से जुड़े इन विवादों का कोई समाधान निकल पाएगा।